अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज का कोई ब्लॉग नहीं, आज बस ऐसे ही बातचीत। और मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है यहाँ कराची का, और कराची के मौसम का तो आपको पता ही है, बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा मौसम, कभी किस तरह। और पिछले दिन तो काफ़ी बारिशें रही हैं, और सिंध में, बलूचिस्तान में, अपने केपी के में काफ़ी सैलाब आया, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। और उसमें जो है काफ़ी हद तक लोग, 70% लोग जो सैलाब की वजह से बेघर हुए, और जो है उसमें जो है उनके मकानात, उनकी ज़मीनें, उनके जानवर, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का जो सिलसिला था वो सब उसमें तबाह हो गया। और दुआ है अल्लाह ताला से कि जो अल्लाह ताला उनकी सैलाब ज़दगान की मदद फरमाए, और जो बेघर हुए उन्हें घर अता फरमाए। और आप सब भी उनके लिए दुआ किया करें कि जितने लोग सैलाब ज़दगान जो थे बेघर हुए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और बहुत से लोग जो हैं उसमें अपनों से भी छड़ गए, और सब ने परेशानियां देखी उसमें, हर किसी ने मुश्किलात देखी। बकायदा हमने और आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह जो है वहाँ पर पानी की रेलें, और कोहिस्तान का एक वाक़या तो आपने देखा होगा कि पांच भाई जो कि 5 घंटे मुसलसल पहाड़ पर खड़े रहे और कोई भी उनकी मदद को ना पहुँच सका, तो वो वीडियो को देखकर बहुत अफसोस हुआ। कई बच्चियों की लाशें जो पानी में डूब गई, कोई रेस्क्यू उनकी तरफ नहीं पहुंच सका। खैर फिर भी जो है बहुत से इदारे ऐसे हैं जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद फरमा रहे हैं, और जो है सैलाब ज़दगान की जो मदद फरमाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अजर भी देंगे, और उनको अजर मिल भी रहा है। और इसी तरीके से हर कोई बढ़ चढ़ कर इसमें कार्य खैर में हिस्सा ले रहा है, तो इंशाल्लाह हम भी अल्लाह से दुआगो हैं। जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं और जो उनकी मदद करना चाहते हैं अपने दिलों में, जिन्होंने इसका शौक़ और जज्बा रखा हुआ है, अल्लाह उनकी भी मदद और नुसरत फरमाए। और इसी तरीके से काफ़ी लोग हैं जो दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि यार काश हम भी जाते, पहुँच जाते, उनकी मदद करते, लेकिन नहीं जा सकते, मसाइल नहीं हैं, मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए और उनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह जो आज का कोई व्लॉग तो नहीं था, लेकिन बस ऐसे कुछ आपसे गुफ्तगू कर ली मैंने, तो उम्मीद है आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह।